क्या करें हम। जी क्लास क्या डिस्कनेक्ट मतलब हो गया मुझे तो था, सर, डिस्कनेक्ट हो गया था तो अभी दोबारा मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर। ओके इसके बाद जब ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया लाइफ साइकिल का कि क्या लाइफ साइकिल होता है इश्यू डेवलपमेंट का, तो इसके बाद कॉरपोरेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या क्या एक्शन दे रही होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो कॉरपोरेशन हैं दे कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू द क्राइसिस, वो क्या एक्शन होंगे। नंबर वन, दे विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड टेलिंग द ट्रूथ। एथिकली उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉब्लम को अवॉइड ना सर करें। आपकी आवाज, जी क्लियर हो रही है आवाज अब। जी क्लास क्लियर, आवाज आ रही। में कौन रटे मारता है? हाँ ना यार, तो यूनिवर्सिटी में भी आगे रटे लगाने पे फिर फायदा। एग्जैक्टली भाई जी, इसमें सर मेरे रटा ख्याल से नहीं, लगाने अपनी आ गई की जरूरत नहीं आ है, गए। इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं रटे वाले क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर होंगे तो इट विल बी इजी फॉर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट पेजेस एज वेल एज द फाइनल पेपर। यस सर, यस। अच्छा, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी क्या एक्शन ले सकती है, तो इसमें मैं आपसे कह रहा था कि कंपनी को ये एक्सक्यूज मी सर, प्रॉब्लम। जी, सर वो लास्ट स्लाइड की जो लास्ट पॉइंट है सर, वो मिस हो गए थे आपकी, वो वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। दो जो एक्शन रह गए थे ना ऊपर वाली स्लाइड में, वो उसमें आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई। सर एजेंसी वाला रह कर सिर्फ एक अकोमोडेशन और एजेंसी, योर पॉइंट। यस सर, यस सर। कॉम्पिटिशन ये होता है कि वी एड्रेस दी पब्लिक प्रेशर एंड एंग्जाइटी, यानी वो स्टेज आ जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक को एड्रेस करना शुरू कर देती है और पब्लिक को अवेयरनेस देती है और एंग्जाइटी को फोकस करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द एजेंसी, अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ सेफ्टी इश्यूज एंड डेवलप दी एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द पब्लिक। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको हैंडल करते हैं और सेफ्टी इश्यूज को हैंडल करते हैं और उसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं इन ऑर्डर टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्राइसिस। ये भी वही स्टेजेस होती हैं जिसमें कंपनी वाइज किसी कैसे कंपनी एक्ट करती है किसी क्राइसिस को। अब ये तो हमने वो देखा कि क्राइसिस किसी कैसे डेवलप होता है, उसकी क्या स्टेजेज होती हैं। नेक्स्ट में ये होता है कि वो क्या क्या एक्शन ले सकती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंपनी है दे शुड फेस द प्रॉब्लम, दे शुड नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ही कोई सिम्टम्स अराइज होता है किसी चीज़ का स्टेक होल्डर के साथ या कोई भी ऐसा इश्यू अराइज होता है तो फौरन उसको फेस करें और उसमें जो भी ट्रू पिक्चर है वो सब स्टेक होल्डर्स के सामने लेकर आए, या जो भी आपका रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स है उससे डिस्कस करें एंड टेलिंग दी ट्रूथ, डोंट लाई विद एनीवन। यू नो सेकेंड जो स्टेप है टेकिंग देयर लम्स इन वन बिग न्यूज स्टोरी, इसका मतलब ये होता है कि उसको आप ओपन कर दें, उसको एक जैसा होता है ना मीडिया में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि दिस इज द इश्यू, या किसी ऐसी स्टेज पे आप उसको इश्यू को टारगेट कर दें किसी एज ए बिग स्टोरी, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो जाए आपका भी और दूसरे स्टेक होल्डर्स का भी। देन रिकग्नाइज देयर इज नो सच थिंग एज अ सीक्रेट और प्राइवेट क्राइसिस, यानी इसमें थर्ड स्टेज पे आप क्या करते हैं, हम इसको एज अ प्राइवेट क्राइसिस नहीं ले रहे होते बल्कि इसको ओपन कर देते हैं, पब्लिक को भी ओपन कर देते हैं ताकि उनको भी पता चलो कि ये सीक्रेट चीज नहीं है या प्राइवेट क्राइसिस नहीं है, एक ओपन थिंग है, एक पब्लिक रिलेटेड थिंग है और एवरीवन शुड नो अबाउट दैट। स्टेजिंग वॉर गेम्स, यानी उस क्राइसिस को यूज करने के लिए हम वॉर गेम्स की बेस पे उसके लिए एक स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको छोड़ते नहीं है, उसके लिए एक्शन उसी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं यूजिंग देयर मोटो फिलोसफी और मिशन स्टेटमेंट टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। जो भी आपकी मिशन स्टेटमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी एथिकल वैल्यूज हैं कोड ऑफ एथिक्स हैं उसको सामने लेके आए और उस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करें, वो जो इश्यू है उसको रिस्पॉन्ड करें। देन
then using their closeness to the customers and end users for only feedback. और आप अपने जो customers हैं, अपने stakeholders हैं, उनके साथ feedback लेते रहें साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको feedback मिले और accordingly that crisis may be solved. So these are some of the actions which are suggested to the corporate during the different crises, yeah, during these different stages. Prerequisites for issue crisis management success, top management supportive and participates. This ये बड़ा important होता है. हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई action नहीं ले सकते जब तक आपकी top management supportive नहीं होगी. So it is again the obligation of the top management to support this issue management approach. इसमें जो भी हमने stakeholders हैं उनको support करे top management. अगर top management support नहीं करेगी तो ये हम नहीं कर सकेंगे कुछ भी. Then second involvement is cross departmental यानी किसी एक अगर department का issue है तो वो उसको as a department issue ना लें, वो पूरी company के issue के तौर पर लें और उसको manage करें और cross departmental discussion करें about that, बाकी departments को भी involve करें. यानी cross departmental involvement जो है बड़ी important है in order to resolve any issue. The issue management unit fits with the firm's culture. आपका जो issue management unit है, जो managers हैं, जिन्होंने issues को resolve करना है, वो incorporate करें companies के culture को, code of ethics को, उधर से guideline लें in order to resolve the issues. Then output instead of process is the focus. उसके output को focus करें, ठीक है? Output अच्छा होना चाहिए for the company, for the different stakeholders. That should be the target of the different जो आपके कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजर्स होते हैं, वो हमेशा आउटपुट को टारगेट करते हैं कि आउटपुट का बेहतर हो और उसमें जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी भी तौर से वो इफेक्ट ना हो रहे हैं. ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज लेक्चर. ये थोड़े से कुछ टेक्निकल चीज़ें थी इसमें लेक्चर में, शायद आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैंने देने की कोशिश की है. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होती है, इश्यूज एंड जो आखिर में इश्यूज किस तरीके से डेवलप होते हैं और अगर उनको आप ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस बन जाते हैं जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है. इसमें हम आपको कुछ केस स्टडीज दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, उसमें आप देखेंगे एक छोटा सा इशू था उसको माइक्रोसॉफ्ट ने या किसी और जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको रिजॉल्व नहीं किया और बिलियन ऑफ डॉलर्स उनको बाद में लॉस हुआ या उनको कोर्ट में पे करने पड़े या छोटे से इशू के अगेंस्ट, ठीक है. तो ये पूरा स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं इसी वजह से पढ़े हैं कि यू शुड इमीडिएटली टारगेट दोज इश्यूज, अपनी एथिकल वैल्यूज को यूज करें. व्हाट इज द राइट डिसीजन, व्हाट इज द रॉन्ग डिसीजन आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड इमीडिएटली डिफाइन द स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिफरेंट इश्यूज एंड क्राइसिस. पूरा लेक्चर ये उससे रिलेटेड था. उसमें जो लोगों ने फ्रेमवर्क जो डिफरेंट थ्योरीज ने दिए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए कि किस तरीके से इशू डेवलप होता है और क्या एक्शन दे सकती है मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, अभी 3-4 मिनट हैं इस सेशन में हमारे पास, हम डिस्कस कर सकते हैं. सर बेसिकली जो है वो मतलब इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है कि कोई इशू भी ना हो और कोई कुछ भी ना हो तो देखें ऐसा नहीं होता कि कभी कोई इश्यूज क्रिएट ही ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ वो कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ऐसी चीज आप सामने आ जाती है. अब उसका आइडियल तरीका वो ये कह रहा है कि सिम्टम जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो तो आप कोई ना कोई एक्शन ले लें और उस पर उसको उसको दबाने की कोशिश करें या उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेजेस अगली स्टेजेस में जाता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डैमेजिंग स्टेज पे आता जाएगा. तो इमीडिएट एक्शन तो ये है कि आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहें, अपनी जो फोर्सेस हैं उनको स्कैन करते रहें और पहले से आप आइडिया ले लें, यानी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं ना, पहले से आइडिया ले लें इश्यूज को आगे बढ़ने ही ना दें और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना लें. लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो फिर यू विल हैव टू डिफाइन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू deal with this crisis or issues. Okay, sir. Jee, any other question? Okay, sir.
ओके, ये रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। नो सर, ऑल क्लियर। जी ठीक है, ओके ये मैं भेज दूंगा, और ये बाकी सब लोगों को आप मैसेज कर दें। फरत मैं हो सकता है 3-4 दिन दे देता हूँ आप लोगों को, आप उसकी तैयारी कर लें, या तो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा सैटरडे वाली क्लास में क्विज, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ओरल क्विज लूंगा, और ये जो चीजें हमने डिस्कस की ठीक है, हो सकता है इसी में से मैं पूछूंगा आप लोगों से चीजें। जी सही है सर। ओके जी, ख्याल रखें अपना लोग। सर अगर एमसीक्यू टाइप हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? वो तो मैंने डिसाइड करना ना, दैट मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, कुछ भी हो सकता है, ओरल क्विज भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकती हैं, और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, वो मुझ पे छोड़ दें ठीक है। ओके सर, आप लोग तैयारी करें लेक्चर्स को, आप अच्छे तरीके से नोट किए चीजें आपने, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं में से मैं चीजें जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा। इस वजह से वीडियोस देख के साथ साथ चीजें नोट करते हैं। ओके यस सर, डन। लाइव सेशन में कुछ चीजें क्योंकि बाद में रह जाती हैं, लोग अटेंड नहीं करते, इस वजह से रिकॉर्डिंग्स देख लिया करें एक तरफ। ठीक हो गया। ओके क्लास, अपना ख्याल रखें सब लोग। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।